हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नई जॉब लेकर के। डायरेक्ट अप्लाई करना सिखाऊंगा इस वैकेंसी के लिए आपको। सबसे मेन चीज, बहुत लोग आपको कंफ्यूज करते हैं कि मैंने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, तू भी मत कर। मैंने भी अप्लाई किया था, मेरी भी नौकरी नहीं लगी, मेरे को कोई कॉल नहीं आई, तू भी मत कर। हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं और हम अप्लाई करना छोड़ देते हैं। फिर हम दोष देते हैं दुनिया को कि मुझे नौकरी नहीं मिली। देखिए, खुद कुछ करना पड़ेगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैं जो भी रिसर्च करके आपको बताता हूं, एक तरीका होता है किस तरह से डायरेक्ट अप्लाई करना है। अच्छा सा प्रोफेशनल रिज्यूम बना करके रख लीजिए, अच्छा सा कवर लेटर बना करके रख लीजिए अपने पीसी के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, और जैसे जैसे आपको बताता हूँ वैसे वैसे अप्लाई करते चले जाइए। अच्छी कंपनीज होती हैं, यहाँ पर आपकी जॉब हो सकती है, लग सकती है। अगर आपका रिज्यूम अच्छा होगा, आपकी कैपेबिलिटीज अच्छी होंगी, आप अच्छे कैंडिडेट होंगे, अच्छा इंटरव्यू देंगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इंटरव्यू की तैयारी करते रहा करो। मेरे अलग अलग वीडियोस भी बन रखे हैं जिसमें मैंने बता रखा है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं, कैसे इंटरव्यू देते हैं, बायोडाटा कैसे बनाते हैं, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, अपना हर प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, आपको सिस्टम से तरीके से मैंने बता रखा होता है। उन वीडियोज़ को जाकर के भी आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ किसी की बातों में मत आया करो, अप्लाई ज़रूर कर दिए करो। अप्लाई करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपके थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है, और वो वक्त आप अपने लिए निकालते हैं, किसी और के लिए नहीं निकालते हैं। एक टारगेट बना करके रखिए कि जो भी वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूं उन पर अप्लाई करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए। मान लेते हैं कोई वैकेंसी आपके मतलब की नहीं भी है, मान लेते हैं कोई वैकेंसी पुरानी हो चुकी हो, फिर भी अप्लाई करते चले जाइए ना, क्या दिक्कत है। एक CV ही तो अपलोड करना है, एक प्रोफाइल ही तो भरनी है, एक रिज्यूम ही तो लगाना है आपने। चिंता किस चीज़ की है, डर किस चीज़ का है। तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए, किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है, कंसल्टेंट के चक्कर में नहीं फंसना है, कितने कितने पैसे एडवांस दे करके आ जाते हो, क्या बनता है, बनना क्या चाहते हो, बना क्या दिए जाते हो, करना क्या चाहते हो, करा क्या दिए जाते हो, पैसा 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये दे के आ जाते हो, क्या इसी चीज़ के लिए कमाते हैं आपके पेरेंट्स। नहीं, प्लीज़ अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी शक्ति पर विश्वास रखिए, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखिए। आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत मजबूत हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं हमेशा इसी चीज़ की वीडियोस इसीलिए लेकर के आता हूँ कि खुद कुछ करो, किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत, प्लीज़। और आज की वैकेंसी जो भी है मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, इस वैकेंसी के तरीके मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे अप्लाई करना है। आपने अप्लाई करते जाना है जैसे जैसे मैं बताऊंगा। इन केस आपको नहीं पता लगेगा, नहीं अप्लाई कर पाएंगे, मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, हर तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके हर सवाल का जवाब देने की, किस तरह से कैसे अप्लाई करना है। बट प्लीज अप्लाई कीजिए, घबराइए मत, इज इट। तो चलिए, मेरी स्क्रीन पर ये रही आज की वैकेंसी। तो गाइस, अब आप आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा हीरा नंदिनी में जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। आपके सामने बहुत सारे लिंक्स खुल करके आ जाएंगे। जब मैंने हीरा नंदिनी करियर्स लिखा, आपने इधर उधर क्लिक नहीं करना है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं, पैसे भी खराब हो सकते हैं। बेटर यही है, जो लिंक मैं आपको बता रहा हूँ उसी पर ही आप जा करके क्लिक कीजिएगा। आपके सामने ये हमारे पास आ रहा है, करियर्स करंट ओपनिंग्स इन हीरा नंदिनी ग्रुप। आप यहाँ पर जा करके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये करियर का पेज खुल करके आ जाएगा। आप इसको सबको पढ़ सकते हैं, करियर्स में इन्होंने क्या लिखा है, किस तरह से इनकी हायरिंग होती है, ये सब लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना CV careers@heeranandini.net पर डाल देना है। आपको अपना CV और अपना कवर लेटर दोनों यहां पर डाल देने हैं।
कभी भी कंपनी को लगेगा कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली वो आपसे जरूर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप अगर अच्छे कैंडिडेट हुए तो आपकी इंटरव्यू जरूर कंडक्ट हो सकती है। पॉजिटिव तरीके से प्लीज इस आईडी पर अप्लाई करिए, careers@hiranandani.net। इज इट? तो ये था जी एक तरीका किस तरह से इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं आई होगी। उठाइए अपना कंप्यूटर, उठाइए अपना सीवी, अपनी हर डिटेल और अप्लाई कर दीजिए ना। क्यों घबरा रहे हो? करिए अप्लाई, अभी अप्लाई कीजिए। और एक और बात, किसी की बातों में नहीं आना है, जो करना है खुद करना है। मैं हमेशा कहता हूं आपका कोई नहीं है, आपके सिर्फ आप खुद हो। इज इट? कर दीजिए अप्लाई अभी। थैंक यू।